चलिए शुरू करते हैं जो आज का हमारा फोर्थ पेपर है इसको सॉल्व करने का अपना प्रोग्राम तो आज हम लोग इस पेपर में जो प्रश्न हैं इसको सॉल्व करेंगे साथ ही साथ सिलेबस से कुछ ज़रूरी जानकारियां उसके बारे में भी देखेंगे तो जो फोर्थ पेपर है हमारा इसके बारे में काफ़ी प्रश्न हमने पहले भी करा दिए थे लेकिन यह है कि सिलेबस के हिसाब से थोड़ा डिटेल में पढ़ना ही ज़्यादा लाभदायक होगा क्योंकि मात्र कुछ प्रश्न सॉल्व करने से ही ये निश्चित नहीं होता है कि हमें सारे प्रश्न मिल जाएंगे उससे तो यहाँ पर जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस को जितना हम ज़्यादा कवर करेंगे उतना ज़्यादा हम प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है आइडेंटिफाई दी डीविल फ्रेश वाटर टीलियास्ट तो टीलियास्ट फिश जो है यहाँ पर कतला कतला है ये सही लगा है पहले से ही इसमें निशान लगा हुआ है आइसिन ग्लास इज प्रोड्यूस्ड फ्राम आइसिन ग्लास एयर ब्लेडर से बनाया जाता है विच केमिकल इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग पे ग्लैंड तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा है अगर पिट्यूटरी ग्लैंड दो चीज़ें हैं एक तो पिट्यूटरी ग्रंथि है जो कि एक अंग है पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर एल्कोहल हो सकता है एल्कोहल लेकिन यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट की यानी कि यहाँ इसके जो पदार्थ हैं उसको निष्कर्षित कर लिया जाए इसके जो हारमोन हैं उसको निष्कर्षित करके फिर उसे हम किसमें प्रिजर्व करते हैं यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथ को प्रिजर्व करने की बात नहीं है बल्कि उसके जो उसके जो पदार्थ हैं जो उससे निकल रहे हैं उसको उसके एक्सट्रैक्ट को प्रिजर्व करने की बात है तो ये ग्लिसरीन में प्रिजर्व किया जाता है और फिशेज में पिट्यूटरी ग्लैंड से दो ऐसी चीज़ें निकाली जाती हैं जिसको हम गोनाइडोट्राफिक हार्मोन के नाम से जानते हैं ये हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे हम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में उपयोग मिलाते हैं तो एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि इस ग्रंथि से जो ये हार्मोन निकाले गए इसे हम किस में प्रिजर्व करेंगे तो वो ग्लिसरीन हो जाएगा और एक होता है कि फिसद से हमने पिट्यूटरी ग्रंथ निकाल ली तो उस अंग को किस में प्रिजर्व करेंगे तो वहाँ पर एल्कोहल हो सकता है एसीटोन में भी प्रिजर्व किए जाते हैं तो जैसा हमारा प्रश्न होगा उस हिसाब से हम आंसर लगाएंगे ट्रीटमेंट ऑफ फिश फॉर प्रिजर्वेशन विथ साल्ट इज नॉन एज साल्ट के साथ यहाँ पर जो प्रिजर्वेशन किया जाता है वो कैनिंग है कैनिंग मीन्स होता है उसकी साल्टिंग करना तो यहाँ पर कैनिंग हो जाएगा ब्राइनिंग नहीं होगा हालांकि ब्राइनिंग में भी साल्ट का उपयोग किया जाता है लेकिन कैनिंग ज़्यादा सही है गुड आफ्टरनून टू एवरी आगे देखिए यहाँ पर हाइपोफाइजेशन हाइपोफाइजेशन इज़ यूज टू हाइपोफाइजेशन का मतलब होता है कि फिस से पिट्यूटरी ग्रंथि को बाहर निकालना यानि कि फिस के ब्रेन से पिट्यूटरी ग्रंथ को अलग करना हाइपोफाइसेसन कहलाता है तो ये बात ध्यान रखिए ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि हाइपोफाइसेसन का क्या मतलब है तो हाइपोफाइसेसन का मतलब है टू रिमूव द पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम फिश ब्रेन या टू रिमूव द पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम फिश बॉडी इसे हाइपोफाइसेशन कहते हैं अब यह क्यों किया जाता है तो हमने बताया कि पिट्यूटरी ग्रंथि से गोनेडोट्राफिक हार्मोन निकलता है और गोनेडोट्रापिक हार्मोन में दो प्रमुख हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इन दोनों हार्मोन का उपयोग मत्स्य पालन में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के लिए किया जाता है तो यहाँ पर ब्रीडिंग का मतलब स्पॉनिंग ब्रीडिंग मीन्स प्रजनन होता है स्पॉनिंग मीन्स प्रजनन होता है तो ये हो जाएगा ये टर्म है इसके इर्द गिर्द जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब तैयार रखिए क्योंकि प्रश्न इस बार चूँकि पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो प्रश्न बढ़ाए गए हैं इसलिए ज़्यादा क्षेत्रों को समेट के प्रश्न आ रहे हैं केवल कुछ ही प्रश्न हल करने से काम नहीं चलेगा प्रश्न ज़्यादा हैं तो ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और एमएससी जैसे कोर्सों के लिए तो काफ़ी डिटेल में पढ़ना ही श्रेष्ठ कर होता है अगर हम ये सोचें कि कुछ प्रश्न सॉल्व करके हम सफल हो सकते हैं तो खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप अगर प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें बहुत ही दिक्कत होती है अगर ये रिटर्न टाइप के होते तो वहाँ थोड़ा सेलेक्टिव होना फ़ायदेमंद हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में तो पूरा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक को इवन जो अच्छी किताबें हैं उसमें एक दो किताबें भी कंसल्ट करना ज़्यादा लाभदायक होता है तो इस तरीके से अब तो खैर समय नहीं है हमारे पास इस तरीके की स्टडी के लिए फिर भी जितना हो सके उतना डिटेल में चीज़ों को तैयार करके जाइए जो टॉपिक है उसके इर्द गिर्द के जितने इंफॉर्मेशन हैं हर एंगल से उसको तैयार रखिए तो उससे संबंधित प्रश्न जो घूम फिर के आएंगे वो सारे के सारे हम करने की स्थिति में होंगे आगे देखिए हुई चुव वन ऑफ दी फॉलोइंग सरफेस एंड कॉलम फीडर इनमें से कौन सी ऐसी है जो सतह पर भोजन करती है और जल के मध्य में भी भोजन करती है कालम फीडर का मतलब है कि जल की गहराई में यानी कि ये पानी है मान लीजिए तो जो सबसे ऊपरी भाग में उपस्थित भोजन का भोजन करता है इसको सरफेस फीडर कहते हैं जो बीच वाले जल में जिनका भोजन होता है यहाँ से जो भोजन लेते हैं इनको कालम फीडर कहते हैं और जो तली से अपना भोजन प्राप्त करते हैं इनको बॉटम फीडर कहते हैं तो तीन तरीके का जो है वो जोन होते हैं सरफेस जोन हो गया और कॉलम जोन हो गया यानी बीच का भाग हो गया और फिर बॉटम जोन हो गया गहराई का भाग हो गया तो यहाँ पर कटला कटला जो है वो कॉलम फीडर और सरफेस फीडर दोनों में भोजन कर लेती है तो इसमें बी हो जाएगा हुई ऑफ दी फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिसीज़ तो डिसीज़ के बारे में हमने पढ़ाया था और वहाँ से जो है इसको देख लेंगे इनमें से कौन सी है बैक्टीरियल डिशीज वैसे फिनराट हमारी समझ में आ रहा है कि फिनराठ ही होगा इसको कंफर्म कर लेना हमने बैक्टीरियल डिशीज पढ़ाया भी था तो वहाँ से देख के इसको सही कर लेना सब लोग अप्लीकेशन ऑफ इन ए पांड करेक्ट दी आ, किसी तालाब में जिप्सम का इस्तेमाल क्या सही करने के लिए किया जाता है तो जिप्सम जब पानी में मटमैलापन बहुत होता है उसमें मिट्टी घुली होती है तो पानी पारदर्शक नहीं रह जाता है और पारदर्शक नहीं होगा तो जो सूर्य की किरणें हैं वो अधिक गहराई तक नहीं जाएंगी उनमें प्लैंकटन अच्छे से नहीं विकसित होंगे हम लोग जानते हैं कि प्लैंकटन मछलियों का भोजन है प्लैंकटन अगर तालाब में नहीं होंगे तो अच्छी पॉपुलेशन मछलियों की नहीं रह पाएगी उसमें इसलिए जिप्सम का उपयोग जो उसमें मिट्टी के कण घुले हुए हैं या जो इस तरीके से जो उसको मटमैला बना रही है पानी को उसको हटाने के लिए यानी कि जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उसको हटाने के लिए किया जाता है और पानी में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जैसे मिट्टी के कण हैं या दूसरे ऐसे कण जो घुले हुए हैं वो उनकी मात्रा कितनी है इसको उसकी टर्बिडिटी कहते हैं टर्बिडिटी से उन्हें मापा जाता है तो यहाँ पर जिप्सम का उपयोग टर्बिडिटी घटाने के लिए किया जाता है हुइच इज़ एन एग्जॉटिक कार्प स्पिस निम्न में से कौन सी एक एग्जॉटिक कार्प का मतलब होता है कि जो विदेशों से लाई गई मछली है हमारे यहाँ की स्वदेशी नहीं है विदेशों से ला के और यहाँ पाली जा रही है यानी सीधी सीधी कहें तो एग्ज़ॉटिक का मतलब होता है विदेशी वैरायटी है तो यहाँ पर जो है वो साइप्रिनस कार्पियो ये जो है वो एग्जॉटिक वैरायटी है हुइच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए लार्वी साइडल फिश निम्न में से कौन सी एक लार्वा को खाने वाली मछली है तो एप्लो पंचाक्स एप्लोकिलस पंचाक्स जो है वो ये मच्छरों के लार्वा को खाती है इसी तरीके से एक फिश है गेम्बूसिया वो भी अलग अलग सेट में पूछी जाती है तो गेम्बूसिया भी मच्छरों के लार्वा को फिट करने वाली मछली है इन दोनों में से यहाँ पर ऑप्शन बदला गया है एपोकिलस पंचाक्ष डाला गया है और इसकी जगह पर गेम्बूसिया भी लिखा जा सकता है ये दोनों ध्यान में रखना है दोनों जो है वो मच्छरों के लार्वा का भोजन करने वाली मछलियाँ हैं आगे देखिए दी मोस्ट इफ़ेक्टिव फिशिंग लाइट तो इसमें हमने बताया था कि सबसे इफ़ेक्टिव जो फिशिंग लाइट होती, हो, होती है वो ग्रीन होती है ग्रीन के बाद दूसरे नंबर पर ब्लू आता है और तो असल में लाइट का उपयोग मछलियों को किसी विशेष जगह पर इकट्ठा करने के लिए किया जाता है और इसमें जो ग्रीन कलर का प्रकाश है वो ज़्यादा प्रभावी है दूसरे कलर की तुलना में विच ऑफ दी, दी ग्रास कार्प निम्न में से कौन सी ग्रास कार्प है तो टीनो फेरिंगोडॉन इडेला यह एक ग्रास कार्प है राधा किसका सी है राधा किस प्रश्न का सी है राधा प्रश्न नंबर तो बताओ बेटा किस प्रश्न का सी है प्रश्न नंबर लिखिए तभी पता चलेगा हो सकता है क्योंकि मैंने इधर मौका नहीं मिला व्यस्तता के कारण मैं इन चीज़ों को दोहरा नहीं पाया हूँ तो प्रश्न नंबर लिखिए किस प्रश्न का सी है तो हम उसको फिर से देख लेंगे आगे चलिए तो चिल्का लेक इज़ लोकेटेड इन चिल्का लेक उड़ीसा में है आ, ये वाइल्ड लाइफ सेंचूरीज भी है बर्ड बर्ड्स के लिए बर्ड्स प्रिजर्वेशन सेंटर है विच इज़ दी फास्टेस्ट ग्रोविंग मेजर कार्प तो इसमें जो है सबसे तेज़ वृद्धि करने वाली मेजर कार्प जो है वो आ, कतला कतला है ये है पिट्रिप्टी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट आर इंजेक्टेड टू इंड्यूस जो पिट्यूटरी ग्रंथि यह है उसके जो निष्कर्ष हैं उसको आ, किस लिए इंजेक्ट किया जाता है तो गोनेडर डेवलपमेंट सेक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन सेक्स ओबुलेशन तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट हैं ये ओबुलेशन के लिए जो है डाला जाता है अगर फीमेल फिश है तो उसमें ओव्यूलेशन और मेल में जो है वो मिल्ट कलेक्शन किया जाता है तो यहाँ पर ओब्यूलेशन हो जाएगा अफ्रीकन लंग फिश तो अफ्रीकन लंग फिश जो है वो प्रोटाप है ये हो गया और स्टेज ऑफ फिश ट्रांसफर टू स्टॉक पॉन्ड स्टॉक पॉन्ड में कौन सी स्टेज इनमें से ट्रांसफर की जाती है तो फिंगर लिंग जो है वो स्टॉक पॉन्ड में डाली जाती हैं आगे देखिए एडहेसिव आर फाउंड इन। तो अच्छा पाँच का सी है फिनराट डिसीज है इसमें अच्छा, ट डिसीज अच्छा पाँच का सी है देख रहे हैं बेटा क्या है पाँच के सी में पाँच का सी पाँच का सी है डेवलपमेंट पाँच का सी ना पिट्यूट्री ग्लैंड एक्सट्रैक्ट ओब्युलेशन के लिए किया जाता है अगर इसकी बात हो रही है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट आर इंजेक्टेड टू इंड्यूस्ड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो निष्कर्ष है जो उसका तत्व है जो उससे निकाला जाता है वो ओबुलेशन के लिए किया जाता है गोनेडल डेवलपमेंट के लिए नहीं है ओब्यूलेशन के लिए किया जाता है ये राधा इसमें जो है जो पिटूटी ग्लैंड का स्ट्रेक्ट है वो हमारे ख्याल से ओब्यूलेशन ही है बाकी एक बार वो हो तो किताब से ज़रूर मिला लेना इसको आगे देखिए एडहेसिव सरफेस आर फाउंड इन तो एडहेसिव सरफेस जो है वो हिल स्ट्रीम फिशेज में पाए जाते हैं यहां पर ये यह हिल स्ट्रीम फिश हो जाएगा गोनेडो आर सेक्रिटेड बाई तो गोनेडो ट्रापिन हारमोन जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से सेक्रेट होते हैं गोनेडोटॉपिन हार्मोन आर सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच इज नॉट ए मेजर कार्प इनमें से कौन सी मेजर कार्प नहीं है तो इनमें से चना पंक्टाटस जो है वो मेजर कार्प नहीं है बाकी लेवियोरोनो फेरिंगोडा निडेला ये सब मेजर कार्प में आती हैं यहाँ पर हमें दोनों तरीके के प्रश्न तैयार करने हैं क्या नहीं है और क्या है इस तरीके से भी प्रश्न घूम फिर के बनाए जा सकते हैं चाइनीज़ नेट्स आर यूज़ एट तो चाइनीज़ नेट का प्रयोग जो है वो बॉम्बे कोचिन गोवा चेन्नई ये प्रश्न जो है वो हमने देखा नहीं है जो भी होगा अपने से इसको देख लेना सब लोग विच वन इज नॉट इली फिश निम्न में से कौन सी एक जीवित मछली है तो निम्न में से कौन सी एक जीवित मछली नहीं है तो सेक्कोब्रेंकस फॉसिल्स का मतलब होता है कि जो जीवित ना हो उसके शरीर का जो अवशेष है उसे फॉसिल्स कहते हैं जो प्राचीन काल के जीव थे उनके शरीर के अवशेष को फॉसिल्स कहा जाता है सेक्कोवरेंकस फोसिलिस यहाँ पर ऐसी मछली है जो अब आज के समय में जीवित नहीं है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ये फिश तो यहाँ पर जो हाइड्रो फिश है ये मछली नहीं है बाकी मुगल जो सीटर एंगुल् ये तीनों जो है फिश की कैटेगरी में आते हैं फिश इज फ्रोजन एट वाट टेम्परेचर तो मछलियों को ठंडा किया जाता है निम्न में से किस तापमान पर तो वो इसमें लगभग में पैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड होगा दो का बी है दो का बी है टीनो इडेला इडेलाधा इसको एक बार मिला लेना बेटा तीनो फरिंगोडान इडेला जो है वो ग्रास कार्प के अंतर्गत आती है ग्रास कार्प है और चाना पंक्टाटस इसको एक बार मिला लेना हम भी देख लेंगे Uh, अभी तो हमारे हिसाब से चन्ना पंक्टाटस ही होगा लेकिन अगर किताब में देखा है तो हम भी देख लेंगे इसको वहाँ से मिला लेंगे विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ मेरीन फिश निम्न में से कौन एक समुद्री मछली है तो यहाँ पर इस्काली वो समुद्री फिश है बाकी तीनों मछली हैं ही नहीं जेली फिश स्टार फिश और सिल्वर फिश ये तीनों मछली नहीं हैं दूसरे संघों से हैं पानी में रहने के कारण इनके साथ फिस शब्द जोड़े गए हैं जो कि आम भाषा में कहने वाले शब्द हैं लेकिन बायोलॉजिकली बाकी तीनों फिस नहीं हैं एडहेसिव सरफेस हिलस्ट्रीम फिशेज में होते हैं और फिस में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इज़ यूज टू गेट इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो है वो प्योर और अधिक मात्रा में सीड के उत्पादन के लिए किया जाता है तो दसवां का सी होगा तीन का बी तीन का बी बताया तीन का बी है देखें तो क्या है बेटा तीन का बी अच्छा तीन का बी है तो सभी लोग ये जान ले चाइनीज़ नेट आर यूज एज कोचिन तो कोचिन में जो है वो चाइनीज़ नेट का उपयोग होता है ये सभी लोग सही कर लें क्योंकि समय बहुत कम है तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते जो भी है उतना कर लीजिए आगे देखिए इन इंडिया क्लेरियस बटरेकस इज कामनली नॉन एज तो भारत में क्लेरियस बैट्रिकस को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है मांगुर कहा जाता है जो क्लेरियस बैट्रिकस फिश है फ्रेश वाटर फिश है और इडिबल फिश है उत्तर भारत में काफ़ी लोग इसे अपने मतलब इसको भोजन में प्रयोग करते हैं मांगुर को फ्रेश वाटर में पाई जाती है ये बेलवेट डिसीज इज़ केस्ट बाई तो बेलवेट डिशीज जो है वो किसके द्वारा होती है ये हमने फिशेज में पढ़ाया है वहाँ पर सब लोग देख लेना इस समय फ़िलहाल मुझे याद नहीं है बेलब डिसीज जो है वो आ, किस आ, डिसीज काजिंग एजेंट से है तो जो फिश पैथोलॉजी का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से मिला लेना सब लोग स्वाइल हैविंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले ऐसी मिट्टी जिनमें बालू चिकनी मिट्टी आ, और गाद ये तीनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तो अगर बालू और चिकनी मिट्टी ये तीनों पर्याप्त मात्रा में है तो उसे लोमी ऑयल कहते हैं और लोम है अमोनिया कंसंट्रेशन टॉक्सिक ये भी अभी नहीं हो पाएगा और एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट इन महुआ आयल केक टू किल फिश इज तो महुआ में जो सब्सटेंस है महुआ में पाया जाता है उसको सेपोनिन कहते हैं और ये जो है तालाब के सुधार के लिए उसमें तालाब में कभी कभी महुए की खली प्रयोग में लाई जाती है तो महुआ आयल केक का मतलब महुए की खली है और इसमें सेपोनिन पाया जाता है इन फिश ब्रीडिंग टू फिनाक्सी इथेनॉल इज़ यूज्ड एज तो फिश ब्रीडिंग में टू फिनाक्सी एथेनॉल एक एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ किया जाता है टू इरेगडिकेट दब सबर्ज बीड बी डी साइड यूज इज तो यहाँ पर जो बी डी साइड है वो टू फोर डी है जो खर खरपतवार नाशक है कृषि में भी टू फोर डी का उपयोग किया जाता है तो टू फोर डी जो है वो यहाँ पर एक बी डी साइड यानी खरपतवार नाशक है सीमा जीन इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग सीमा जीन भी एक बीड कंट्रोल का एजेंट है और यह दूसरे तरीके से काम करता है टू फोर डी तो एक ग्रोथ हार्मोन है जो पौधों में एक्सेसिव ग्रोथ पैदा करता है जिसके कारण वो कमज़ोर होकर नष्ट हो जाते हैं लेकिन सीमा जीन जो है ये दूसरे तरीके से काम करता है और ये जो पौधे हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित करता है अब इस विकल्प में देखिए फंजाई फिसलाइस वायरस इन सब में प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है इसलिए इनका कोई संबंध सीमा जीन से नहीं है ब्लू ग्रीन एलगी वो हरी नीली शहवाल है प्रकाश संश्लेषण करती है इसलिए सीमा जीन इसके कंट्रोल के लिए उपयोग में लाया जा सकता है आइसिन ग्लास वो प्रिपरेशन ऑफ वाइन्स डिस्टिलेशन ऑफ वाइन्स प्रिजर्वेशन ऑफ वाइंस क्लियरिंग ऑफ वाइन्स के लिए किया जाता है वाइन्स के शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है आइसिन ग्लास का इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक यूज इन तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक जो है वो कल्चर फिशरी में यानी मत्स्य पालन में किया जाता है जो हम अपने नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो मछलियां हैं उनमें तो नेचुरल ब्रीडिंग होता है जो हम लोग अपने तरीके से कृत्रिम रूप से ब्रीडिंग कराते हैं वो जो मत्स्य पालन क्षेत्र हैं जिनमें हम अपने तरीके से तालाब विकसित करते हैं वहाँ पर यानी कल्चर फिशरीज़ में इसका उपयोग किया जाता है आगे देखिए जूलॉजिकल नेम ऑफ फिशेस, तो मिल्कफिशेज जो है यहाँ पर चानोस चानोस है एवरीबिएशन फार पी एच डी फिश मीन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज एंड डी पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड हाइड्रोलाइज एंड ड्राइड पार्शियली होमोजिनाइज एंड ड्राइड प्योरली हाइड्रेटेड एंड डी तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा पी एच डी फिश का मतलब होगा पार्शियली हाइड्रोलाइज एंड पार्शियली होमोजिनाइज एंड ड्राइड यहाँ पर यह प्रश्न भी देखना पड़ेगा चलिए हम ग्रुप पर देखकर इसे पोस्ट कर देंगे कि क्या है इसमें एक्सप्लाइटेशन ऑफ ए फिश स्टाक एट राइट स्टेज इज एक्सप्लाइटेशन ऑफ ए फिश स्टॉक एट राइट एज इज कार्ड ओवर फिशिंग जोनल फिशिंग अंडर फिशिंग 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 कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ फिश गोनेडोट्रापिन इज डन तो गोनेडोट्रापिन हारमोन जो है उसका पूर्ण रूप से एक्सट्रैक्शन किसके द्वारा किया जाता है तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल है और सिलाइन सॉल्यूशन है ईथर है और डिस्टिल वाटर है तो यहाँ पर यह हो जाएगा एथिल अल्कोहल डिस्टिल वाटर ईथर एथिल अल्कोहल हो जाएगा इसके द्वारा जो है इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है गैम्बूसिया था कि ये जो मच्छरों मच्छरों के लार्वा हैं उनका भक्षण करने वाली मछली है तो फिश फिशेटर ऑफ मास्कटो लार्वा ये सी हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं तो आगे जो है राम पानी नेट इज यूज टू कैच तो रामपानी नेट का उपयोग जो है वो इनमें से माइक्रेल्स के पकड़ने में किया जाता है हारसस्ू सेप्ड लेक ये एरकाउड लेक है जो कि तमिलनाडु में है हार्सू लेक यानी कि घोड़े के नाल की आकार की लेक है ये गप्पी जार फाउंड इनाल एक्वेरियम ऑल ओवर दी वर्ल्ड वेयर डिड दे औरिजिनली कम फ्राम तो गप्पीज जो है ये जो हम एकम बनाते हैं सजावट के लिए जो आर्टिफिशियल एकवेरियम तैयार करते हैं उसमें ये पाली जाती हैं गप्पीच फिश जो हैं और ये बेनेजुएला एंड सेंट्रल अमेरिकन आइसलैंड की हैं ये हमने पहले भी हल कराया है हुज द फ़र्स्ट इंडियन थियोलॉजिस्ट तो ये इतिहास का प्रश्न है और अभी तक कहीं मिला नहीं है इसलिए इसके बारे में डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता हु एज दी फर्स्ट इंडियन एक थियोलॉजिस्ट आगे देखिए तो मेजर कार्प हुईज इज क्वीकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स हेक्जागोनल स्केल इनमें से वह मेजर कार्प जो अपने एकजा स्केल्स की सहायता से आसानी से पहचानी जाती है वह है श्रीहीनस मृगाल और विच वन इज़ नॉट ए लिप फिश निम्न में से कौन सी एक जीवित मछली नहीं है तो वह है सेक्कोवरेंकस फॉसिलिस। ये नहीं है एक जीवित फिशेस, तो हमको जो जहाँ तक प्रश्न सब लोगों ने भेजे थे वो यहाँ तक थे और रह गया है चलिए छ देख लेते हैं क्या है छठा प्रश्न छठा प्रश्न देख लेते हैं एक मिनट क्या है फिश विथ सेंसरी बारबल्स आर तो जिनमें सेंसरी बारबल्स पाई जाती हैं उनको कैट फिश कहा जाता है जैसे मांगुर है रोहू है ये सब कैट फिश के अंतर्गत आती हैं जिनमें सेंसरी बारबल्स पाए जाते हैं ये कैट फिश हैं तो ये हो गए जो प्रश्न हम लोगों को मिले थे अब हम लोग थोड़ा सा अपने सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं और वहाँ पर जो है हम ये थोड़ा सा हेंट्स कर देते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ लीजिए जैसे कि हम लोगों ने इसमें से कई ऐसे टॉपिक थे जो हम लोगों ने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ फिशरीज़ टाइप्स ऑफ फिशरीज़ में जो फिशरीज़ है मतलब जो मत्स्य जीवन है वो अलग अलग तरीके की हैं जैसे कि समुद्री मैरीन फिशरीज़ जो समुद्री वाटर में हैं और इनमें भी जो गहरे जल की हैं और जो आब शोर फिशरीज़ हैं यानी जो तटीय इलाके में मछलियां हैं फ़िशरीज़ यानी जो नदियों में हैं मेजर रिवर सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया तो उत्तर भारत के जो बड़े नदी तंत्र हैं उनके बारे में यह है इनमें से हम लोगों ने सारे तो नहीं किए थे लेकिन कुछ हम लोगों ने किए थे और उसको जैसे प्राण फिशरीज़ है प्राण फिशरीज़ का मतलब है कि झींगा पालन इसका मेथड कल्चर मेथड और फ्यूचर ऑफ प्राण फिशरीज़ इन इंडिया प्रोसेसिंग ऑफ प्राण इसको हमने नोट्स में लिखाए थे तो उसको बढ़िया से पढ़ लेना सब लोग अगर कहीं कोई समस्या होती है तो उससे पहले जो है वो क्लियर कंफर्म कर लेना क्योंकि प्रश्न बहुत सेलेक्टेड हल करने से सारे मिल जाएँ ऐसा है नहीं थोड़ा पढ़े रहोगे तो कुछ और प्रश्न कर पाओगे जो उससे संबंधित पूछे जा रहे हैं मोलस्कन फिशरीज़ में जो है वो मोलस्क का कल्चर किया जाता है और इनमें सीपी का कल्चर काफ़ी फेमस है परल परल इंडस्ट्री यानी परल जो सीप है उसका जो है कल्चर किया जाता है नेट क्राफ्ट्स ऑफ इनलैंड एंड मैरिन वाटर इलेक्ट्रिक फ़िशिंग लाइटिंग फिशिंग एंड इको साउंडर्स तो इसमें अलग अलग तरीके के जाल और जो दूसरे सहायक सामग्रियाँ यूज की जाती हैं नदियों में इनलैंड वाटर में और मैरिन वाटर में यानी समुद्री जल में इन दोनों को देखना है इलेक्ट्रिक फ़िशिंग में हम लोगों हमने थोड़ा समझाया था कि इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं एक जो है वो हमारी बोट पर होता है एक पानी में लगाए जाते हैं एनोड जो है वो हमारी बोट या सिप पर होता है और कैथोड को पानी में रखा जाता है तो कैथोड जो है कैथोड की तरफ मछलियाँ वो अट्रैक्ट होती चली आती हैं जब इनके बीच इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कराया जाता है तो जो फिशेज हैं वो कैथोड पर इकट्ठा होती हैं इसके चारों तरफ इसके क्षेत्र में और फिर वहीं जाल डाल के उनको कैप्चर कर लिया जाता है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ़िशिंग का उपयोग जो है वो मछलियों को पकड़ने में किया जाता है लाइट फिशिंग में लाइट का उपयोग किया जाता है क्योंकि कुछ ऐसी प्रकाश हैं जिनमें मछलियाँ ज़्यादा अच्छी अट्रैक्ट होती हैं तो आसपास के क्षेत्रों से वहाँ कलेक्ट हो जाती हैं और फिर उन्हें पकड़ा जाता है इनमें ग्रीन लाइट का उपयोग हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में देखा ग्रीन लाइट का उपयोग सर्वाधिक उपयोगी है लाइट फिशिंग में और इको साउंडर्स में विशेष प्रकार के रिसीवर होते हैं जो समुद्र पानी में होने वाली हलचल या छोटी धन तरंगों को रिसीव करते हैं तो मछलियों का एक समूह जिधर चलता है और उनकी जो एक्टिविटी होती है वो इको साउंडर्स के द्वारा जो हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होते हैं उनके द्वारा पर किस क्षेत्र में मछलियों की पॉपुलेशन या आ, कोई पर्टिकुलर टाइप की वैरायटी की फिशेस किस प्रकार के एरिया में समय उन मिलेगी इसके आधार पर साउंडर्स का उपयोग भी मछली पकड़ने में किया जाता है यानी कि इनमें मछलियों से जो विशेष प्रकार की ध्वनियाँ हैं उसको रिसीव करके और आसपास के जल में उनकी उपस्थिति का पता लगाकर कर वहाँ से फिशिंग ये की जाती है अब मत्स्य मछलियों के ऊपर इफ़ेक्ट ऑफ लाइट टेम्परेचर टर्बिडिटी डिजॉल्व गैसेस एंड सॉलिड्स इन वाटर ये हमने पढ़ाया था कि कैसे लाइट प्रभावित करता है तापमान प्रभावित करता है पानी की टर्बिडिटी यानी उनमें कितने सॉलिड पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं उसके द्वारा भी मत्स्य पालन प्रभावित होता है और गैसों की मात्रा ये सारी चीज़ें हमने नोट्स में कराई थी ये अपना पढ़ के वहाँ से तैयार कर लेना सब लोग और इसके अलावा जो है टाइप्स ऑफ प्लैंगटन एंड देर रोल इन फिश लाइफ तो इनमें हमने प्लैंगटन के बारे में पढ़ाया था प्लेंगटन ही मछलियों के प्रमुख भोजन हैं प्लैक्टन कई तरीके के होते हैं और इस पर भी हम लोगों ने नोट्स बनाए थे किस प्रकार से वो उपयोगी हैं तो इसको भी खूब अच्छे से पढ़ के जाना मेंटेनेंस ऑफ फ्रेश वाटर एक्वेरियम फ्रेश वाटर एक्वेरियम नहीं हो पाया था हमारे ख्याल से आ, कि इसको कैसे मेंटेन करते हैं खैर अब इतना समय भी नहीं है कि इन पर फोकस किया जा सके पॉन्ड कल्चर एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल कल्टिवेबल फिशेज ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंडिजिनस एंड एक्ज़ॉटिक्सिज एग्जॉटिक स्पसीज के बारे में हमने बताया कि वह मछलियाँ जो बाहर से लाई गई हैं और अपने यहाँ आसानी से पाली जा रही हैं उन्हें एग्जॉटिक वायटी कहते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ सीड यानी जो मछलियों की सीड हैं उनको उपलब्ध कराने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कहाँ से फिश कलेक्ट होते हैं जैसे नेचुरल सोर्स से कलेक्ट किए जाते हैं या फिर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग से ये कलेक्ट किए जाते हैं कलेक्शन कैसे होता है फिर उनका आइडेंटिफिकेशन क्योंकि जो नेचुरल सोर्स से कलेक्ट किए जाते हैं वो मिक्सचर होते हैं कई प्रकार की वैरायटीयां होती हैं उनमें कुछ हार्मफुल फ़िशेज़ के भी सीड्स uh, हो सकते हैं तो इन चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करके फिर उन्हें सेपरेट करना ज़रूरी होता है और सेपरेट करने के बाद जहाँ सीड सेंटर है तो वहाँ से जहाँ ये नेपाली जानी है वहाँ तक उनका ट्रांसपोर्टेशन में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी हमें ये हमने पढ़ाया है और नोट्स से इसको बढ़िया से पढ़ लेना इसके बाद इंड्यूस्ड ब्रीडिंग है इंड्यूस्ड uh, ब्रीडिंग यानी उत्प्रेरित प्रजनन जो है इसमें स्ट्रिपिंग हाइपोफाइसेशन टेक्निक तो ये चीज़ें हैं ये भी हमारे ख्याल से हमने कराया है किस तरीके से जो पिटूट्री ग्रैंड है उससे uh, मछलियों से पिटूटरी ग्लैंड निकाला जाता है फिर उसका स्ट्रैक्ट निकाल के उसका इंजेक्शन वो मछलियों में डाला जाता है लगाया जाता है और इंजेक्शन लगाने के बाद फिर उनसे जो जैसे मेल फिश है तो उससे मिल्ट और फीमेल है तो उससे जो ओवा है वो हमें प्राप्त होता है फिर उनका आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन कराया जाता है जिससे उनसे सीड हमें मिल सके चूँकि मछलियों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो स्ट्रिपिंग का मतलब है कि उनसे फिर जो गमीट है उनको प्राप्त करना ये प्रक्रिया भी हमने पढ़ाई है तो अपने नोट्स से इसको भी पढ़ लेना स्पेशल कल्चर में कंपोजिट फिश कल्चर यानी कंपोजिट फिश कल्चर में हमने बताया था कि अलग अलग वरायटियों की मछलियाँ साथ साथ पाली जाती हैं ताकि इसलिए साथ साथ पाली जाती हैं ताकि तालाब पूरे तालाब के संसाधनों का उपयोग हो सके जैसे कि कंपोजिट फिश कल्चर में इस तरीके का फार्मूला तैयार किया जाता है कि कुछ वरायटियाँ सरफेस फीडर हों कुछ कॉलम फीडर हों कुछ बॉटम फीडर हों जिससे तालाब में हर लेवल पर उपलब्ध भोजन का उपयोग हो सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके तो कंपोजिट फिश कल्चर में जाके ये देखना है कि किन किन मछलियों का कम्बिनेशन बनाया जाता है एक साथ और किस किस अनुपात में ली जाती हैं फिश कल्चर इन पैड़ी फील्ड ये भी हमने पढ़ाया था सीवेज फिश कल्चर और इंटीग्रेटेड फिश कल्चर इंटीग्रेटेड फिश कल्चर में हम इंटीग्रेटेड फिश कल्चर वो होता है जिसमें मछली पालन के साथ साथ कुछ और चीज़ें जैसे कि कुक्कुट पालन है मुर्गी पालन है या कुछ दूसरी चीज़ें भी एक साथ की जाती हैं तो इसमें तालाब के ऊपर मछलियों जो मुर्गियों का है वो बना दिया जाता है उनकी जो बीट्स होती है वो नीचे आती है जो उनके दूसरे ऐसे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं वो तालाब में जाते हैं और तालाब में उनकी वजह से जो उनमें पोषक तत्व हैं उनकी वजह से प्लेंगटन डेवलप होते हैं तो वो मछलियों के लाभदायक होते हैं इसलिए हम जब दो चीज़ों को एक साथ मिला के ऐसी रणनीति बना के मत्स्य पालन करते हैं कि हमें दो तरीके से लाभ हो तो उन्हें हम इंटीग्रेटेड फिश कल्चर कहते हैं तो इंटीग्रेटेड फिश कल्चर वो जैसे कुक्कुट पालन है और मत्स्य पालन को एक साथ किया जाए या पैडी कल्चर है जिसमें हम धान की फसल भी ले रहे हैं और उसमें मछली भी पाल रहे हैं तो इस तरीके से दो चीज़ें एक साथ जब हम करते हैं तो उसको कंपोजिट फिश कल्चर कहा जाता है इसको भी थोड़ा सा देख लेना या फिर हमें कोई पर्टिकुलर वो खो तो बता देना वो हम कल करा देंगे आगे देखिए इसमें फिश डिसीज़ में हमने पूरा कराया था तो इसको पूरा तैयार करना है सबके एग्ज़ाम्पल कौन सी बीमारी फंगस से होती है कौन बैक्टीरिया से होती है कौन प्रोटोजोआ से होती है और उनके कंट्रोल के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं क्योंकि हम लोगों ने अपनी सेट में देखा कई ऐसे प्रश्न इनसे बन रहे हैं तो वहाँ से फिर प्रश्न आएंगे फिश प्रिजर्वेशन प्रोसेस प्रोसेसिंग काज ऑफ स्पॉइलेज तो फिश का जो मटेरियल है जैसे फ्लेश है या दूसरी चीज़ें हैं उनको कैसे हम ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं इसी को फ़िश प्रिजर्वेशन कहा जाता है और प्रिजर्वेशन के लिए उनकी प्रोसेसिंग यानी कि उनका किस तरीके से उनमें चीज़ें मिला के उसको सुरक्षित की जाती हैं ये प्रोसेसिंग कहलाती हैं काज या फिशलेस यानी कि नष्ट होने के कारण क्या क्या हैं तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही सबसे बड़ा कारण होता है बैक्टीरिया वो सड़ाव पैदा करते हैं ख़ासकर बैक्टीरिया जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं जो चोटिल हैं वहाँ पर जल्दी ही बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं उनके घाव में बैक्टीरिया तेज़ी से ग्रो करते हैं फिर वो उनको सड़ाना शुरू करते हैं जिससे वो जल्दी खराब हो जाता है उनसे दुर्गंध आने लगती है उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना ही जो है फिश प्रिजर्वेशन का मूल उद्देश्य होता है बैक्टीरिया या दूसरे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो चीज़ों को नष्ट करते हैं सराटते हैं मेथड ऑफ़ प्रिजर्वेशन देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स अब अलग अलग मेथड हमने प्रिजर्वेशन के लिखाए थे जिनमें ड्राइंग है यानी कि उनको सुखाना कैनिंग था ब्राइनिंग था साल्टिंग था स्मोकिंग था अलग अलग टेक्निक हैं इनको भी अपनी दो तीन दिन में फिर से उसको दोहराइए पढ़िए किस किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है और उसका क्या महत्व है क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है यानी कि कौन सी विधि किस मामले में ज़्यादा उपयोगी है फिस बाई प्रोडक्ट में भी हमने कराए हैं ये पूरा करा दिया था फिश पोल्यूशन कराया है ये भी पढ़ना है ऑफ फिश भी हमने कराया था एज एंड ग्रोथ लेंथ एंड बेट रिलेशनशिप ये नहीं हो पाया था और अब इतना समय भी नहीं है कि ये हो जाए और थर्ड पेपर में भी से संबंधित प्रश्न आए थे हमने सेट देखा तो उसमें इससे प्रश्न आए हाँ थे तो ये है पूरा सिलेबस इनमें से पूरा तो नहीं लेकिन अधिकांशता काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने की हैं उतना पढ़ लीजिए कोई नई टॉपिक हो और जो कल हो सकती हो तो वो हमें बताना वो हम ज़रूर कल करा देंगे लग के ताकि उससे भी कुछ प्रश्न अगर बने तो हो जाए आज जो है जो जितना हमारे पास प्रश्न थे और जो हमें प्रासंगिक लगी वो हमने समझा दिया है तो ये है अब इसमें अगर चूँकि पेपर अट्ठाईस को है कल सत्ताईस तारीख है तो जो इसमें ऐसा समझ में आएगा जो हो सकता है वो ग्रुप में लिखना तो हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा उसको समझा दें बाकी अब समय तो कम है और पेपर जैसे भी हो उसको देना पड़ेगा तो अब इसके साथ ही जो हमें बताना था वो हमने करा दिया है इसमें शेष जो छूटे हैं वो याद कराना तो हम देख के उसको कोशिश कराएंगे हो जाए लेकिन ये समझ लीजिए कि जो परीक्षा है वो बहुत आसान नहीं होती है बहुत शार्ट में उसकी तैयारी नहीं हो पाती है उसके लिए हमें लंबी रणनीति बनानी पड़ती है ख़ासकर पीजी लेवल में तो चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा और डीप स्टडी ही जो है वो सफलता का साधन है मात्र अगर कुछ प्रश्न हल कर लेने से ही हम सफल हो जाएं तो शायद डिग्री बड़ी आसान हो जाएगी और इतने में बड़ी आसानी से लोग कर लेंगे तो ये भी एक परेशानी है लेकिन चलिए जितना हो सकता है उतना प्रयास कर लीजिए अब समय अपने पास कम है और इसके बाद प्रैक्टिकल भी फाइनल ईयर के होंगे तो प्रैक्टिकल के लिए भी संपर्क बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम के बाद जब भी डेट आएंगे तो उसके लिए सूचित किया जाएगा और उसके लिए तैयारियां और बाकी चीज़ें भी एग्ज़ाम के बाद अपना उसमें लगी वो भी तैयार कर लीजिए तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा तो इसी के साथ हम ये सेशन समाप्त कर रहे हैं